खबर बहराइच से है, जहां कोतवाली देहात के अनवरगंज गांव निवासी एक दलित वृद्ध की 31 अगस्त को दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। पुलिस ने रविवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही मांस काटने वाला छुरा भी बरामद कर सीज कर दिया है। खुलासा करने वाली टीम को SP द्वारा 15,000 का इनाम दिया जाएगा। कोतवाली देहात के ग्राम पंचायत सेहदहीर के मजरा अरबनगंज निवासी दलित राम गोपाल 31 अगस्त को अपने आटा चक्की के कारखाने में बैठा था, तभी उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने घटना का मुआयना कर पुलिस की 3 टीम को खुलासा करने के निर्देश दिए थे। रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि कोतवाल सत्येंद्र बहादुर सिंह, SOG प्रभारी अनुज त्रिपाठी और उप निरीक्षक दिवाकर तिवारी समेत 18 सदस्यीय टीम को घटना के खुलासे के लिए लगाया था। ASP ने बताया कि मृतक राम गोपाल और उसके पुत्रों द्वारा सफी पुत्र जमील को बार बार चोर कहा जा रहा था, जिससे वह नाराज चल रहा था। उसने 31 अगस्त को मांस काटने वाले छुरे से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बरामद छुरा और कपड़ा को सीज कर दिया है। ASP ने बताया कि खुलासा करने वाली टीम को 15,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या वाले दिन मृतक की पत्नी ने 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही दुष्कर्म के मामले में सुलह ना करने पर हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया था, लेकिन विवेचना के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं आया, ना ही हत्याकांड में दूसरा आरोपी संलिप्त पाया गया, जिस पर एक नामजद का नाम केस से हटा दिया गया है। खुलासा किया है, मामला क्या था? 38 तारीख को अरवनगंज शेख दहीर में थाना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक राम गोपाल सना राम खिलावन की हत्या हुई थी, जिसमें धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की गई थी। उस घटना का आज हमारी टीम ने थाना कोतवाली देहात और सर्विलांस टीम SOG टीम ने मिलकर के उसका जो है अनावरण किया है। उसमें पूरे मामले की तहकीकात से बात पता चली है कि उसी गांव का रहने वाला है सफी पुत्र जमील, जो कि कुछ दिन पहले इसके राम गोपाल जी के जो आटा चक्की थी उसमें बाट रखे थे, उसको चोरी किया था, उसके ऊपर शक था। और इसी शक में बार बार राम गोपाल उसके घर वाले उसको चोरवा कर करके इस तरह से बातें करते थे, जिससे वो आहत हुआ और उस घटना के दिन उसने जो है चाकू से उसके ऊपर अटैक करके, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उस समय सुनसान पा करके उसने अटैक कर दिया था, उनकी हत्या कर दी। आज ये सफी पुत्र जमील की गिरफ्तारी हुई है और उसके निशादेही पर अलगत की बरामदगी हुई है, अभी उसको जेल भेजा जा रहा है। सर, इससे पहले दलित लड़की के बलात्कार का फेसबंदी में ये मामला इस पूरे प्रकरण में वादी द्वारा जो है उन्होंने शक व्यक्त किया था कि इसके पहले उनकी लड़की के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी, जो लोगों ने किया था उनके ऊपर उन्होंने शक जाहिर किया था, लेकिन जब घटना का अनावरण हुआ तो तथ्य दूसरा प्रकाश में आया और सफी का नाम प्रकाश में आया, जिसकी आज गिरफ्तारी हुई। सर, क्या टीम को कुछ इनाम भी दिया जा रहा है? हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन्होंने पूरे टीम की तेजी से तीव्र गति से इसके खुलासा